तो मुझे फ्रीलांस वीडियो एडिटिंग करते हुए 3-3.5 साल हो चुके हैं और मैंने इस बीच बहुत कुछ सीखा है। बट मान लो कुछ ऐसा हो जाता है, जितना भी मैंने अब तक फ्रीलांसिंग के बारे में सीखा है, वीडियो एडिटिंग के बारे में सीखा है, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में सीखा है, वो मैं सब भूल जाता हूं। तो अगर मुझे बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़े सब कुछ, तो मैं क्या करूंगा? तो ये जो मैं आपको इस वीडियो में 6 स्टेप का फ्रेमवर्क दिखाने वाला हूं, मैं बिल्कुल ऐसे ही करता। सबसे पहले कंप्यूटर पर वीडियो एडिट करना या मोबाइल पर वीडियो एडिट करना, इसकी डिबेट को मैं खत्म कर देता हूं। मोबाइल पर भी आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो और कंप्यूटर पर भी कर सकते हो, लेकिन हमेशा यही बात कहता हूं कि मोबाइल वीडियो एडिटिंग में अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी कम है और कंप्यूटर में वीडियो एडिटिंग करने में आपका जो होराइजन है वो बहुत ज्यादा ब्रॉडर हो जाता है। अब ऐसा नहीं है, देखो जितने भी रील्स वाले कंटेंट क्रिएटर है वो मोबाइल से ही वीडियो एडिट कर रहे हैं, लेकिन जो एक प्रोफेशनल लेवल का काम है वो अभी कंप्यूटर पर ही हो रहा है। तो यहां पर मेरा आपको ये सजेशन होगा कि अगर आप कंप्यूटर अफोर्ड कर सकते हो, अगर वो बिल्कुल ब्रांड न्यू ना हो, सेकंड हैंड आपको अच्छी कंडीशन में मिल जाए, तो आप ले लो। लेकिन अगर कंप्यूटर बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल बजट ही नहीं है, तो हां आप मोबाइल से स्टार्ट कर लो फॉर द टाइम, मतलब अपने आप को रोको मत, थोड़े बहुत पैसे बन जाए तो एक कंप्यूटर जरूर ले लो आप। और अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो बिल्कुल जो एब्सोल्यूट बिगिनर्स की स्पेसिफिकेशन होगी वो आप इंटेल कोर i3 ले सकते हो, 4GB RAM और 2GB VRAM वाला ग्राफिक कार्ड। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगी और इस लेवल की कॉन्फ़िगरेशन के साथ आप 720p 1080p एडिटिंग कर लोगे। हाँ, थोड़े बहुत लैग्स देखने को मिलेंगे, लेकिन आप सीख जाओगे। अब बात आ जाती है कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें। अब मैंने मोबाइल पर उतनी एडिटिंग नहीं की है, लेकिन जितनी भी की है मुझे KineMaster और VN वीडियो एडिटर एक अच्छी एप्स हैं। तो यहाँ पर मैं हमेशा आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का ही सॉफ्टवेयर सीखो। अब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के सॉफ्टवेयर कौन से हैं? प्रीमियर प्रो, डाविंची रिजॉल्व, फाइनल कट प्रो और एविड मीडिया कंपोजर। इसमें से आपका डाविंची रिजॉल्व और एविड मीडिया कंपोजर फ्री वर्जन आपको देता है, मतलब उसका आपको कोई पैसा नहीं देना है, आपको फ्री में लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा। थोड़ी सी फंक्शनैलिटी लिमिटेड होगी, लेकिन आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। प्रीमियर प्रो में आपको मंथली पे करना पड़ेगा, फाइनल कट प्रो की वन टाइम प्राइस है। तो आप मेरी बात का यकीन करो, अगर आप इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर सीखते हो और आप थोड़ा सा प्रोफेशनल भी जाना चाहते हो, फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, टीवी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, तो वहां पर यही सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं। और यहां पर ये बात मैंने कंफर्म भी की थी, मेरे एक दोस्त हैं जो मुंबई में रहते हैं, उन्होंने मुझे बताया था जो कमर्शियल्स हैं, कमर्शियल जो आप एड्स देखते हो, वो प्रीमियर प्रो पर एडिट हो रहे हैं अभी। तो प्रीमियर प्रो भी काफी तगड़ा सॉफ्टवेयर है और अभी हाल ही में एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस जिसने ऑस्कर जीता है, वो पूरी फिल्म प्रीमियर प्रो पर ही एडिट हुई थी। अब आपने सॉफ्टवेयर तो चूज कर लिया, अब बारी आती है कि भैया उस सॉफ्टवेयर को सीखें कैसे। देखो, सॉफ्टवेयर सीखने के दो ही रास्ते हैं, या तो आप किसी का कोर्स खरीद लो ऑनलाइन जाकर, या आप यूट्यूब पर फ्री में सीख लो। और अगर मैं यूट्यूब पर फ्री में सीखने की बात करूं तो मैंने भी यूट्यूब से फ्री में ही सीखा था। अगर आपको मेरे चैनल पर सीखना है तो मैंने प्रीमियर प्रो, डाविंची रिजॉल्व और फिल्मोरा के बिगिनर्स ट्यूटोरियल बना दिए हैं, वो 20-25 मिनट के हैं, तीनों सॉफ्टवेयर के अलग अलग मेरे चैनल पर हैं। अब उन बिगिनर्स ट्यूटोरियल को देखकर आपको इतना समझ में आ जाएगा कि एक सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करना है और आप एक अच्छा सा उसके साथ फैमिलियर हो जाओगे। अगर आप कोई कोर्स परचेस करना चाहते हो तो वो आपको खुद ही रिसर्च करना पड़ेगी, क्योंकि मैंने अभी तक कोई कोर्स परचेस किया नहीं ऑनलाइन, तो मैं बता नहीं सकता कि वो कितना अच्छा है, कितना रिलायबल है। अब मुझे बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि अमन भाई हम कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें, कोई हमें कॉलेज बता दो जो हमें एडिटिंग सिखा दे। देखो, मैं भी कॉलेज नहीं गया हूं जहां पर मैंने एडिटिंग सीखी हो, तो मैं इसके ऊपर भी कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली फिल्म एडिटिंग में जाना है, मतलब आपको फिल्में एडिट करनी है, तो आप फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे FTII में जा सकते हो। उनका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है और कुछ और भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। वहां पर क्या होगा, आपके अच्छे कनेक्शन बन जाएंगे, आपको एविड मीडिया कंपोजर सीखने को मिल जाएगा। तो आप अगर बिल्कुल प्रोफेशनल ही जाना चाहते हो तो आप उस कॉलेज में जा सकते हो। सो एज अ फ्रीलांस वीडियो एडिटर, स्टॉक फुटेज और स्टॉक म्यूजिक हमारे वर्क फ्लो का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत सारी सब्सक्रिप्शन वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, बट वहां पर सब वेस्टर्न स्टॉक म्यूजिक और वेस्टर्न स्टॉक फुटेज है। तो क्या ही बात हो जाए अगर मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी स्टॉक वेबसाइट मौजूद है जो आपको इंडियन स्टॉक फुटेज प्रोवाइड कर रही है और तो और इंडियन म्यूजिक भी प्रोवाइड कर रही है। तो इसी गैप को फिल करते हैं हमारे आज के स्पॉन्सर क्रिएटिगो, जो स्पेशली इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स एंड ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो पहले हमें नॉन इंडियन स्टॉक फुटेजेस यूज करनी पड़ती थी, बट नाउ यू कैन टेल योर स्टोरीज विद योर ओन कल्चर एंड ये स्टॉक फुटेज आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली क्रिएटिगो के लिए ही शूट की गई। और अब मैं अगर बात करूँ क्रिएटिगो के म्यूजिक की, तो यहाँ पर ऐसा म्यूजिक मौजूद है जो आप नेटफ्लिक्स के शोज में और जो मेजर प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनके शोज में आप देखते हैं, सुनते हैं, तो क्रिएटिगो में उस लेवल का म्यूजिक मौजूद है, फ्रॉम ट्रेडिशनल इंडियन मेलोडीज टू मॉडर्न बीट्स। और यहाँ पर ये आपको एक यूनिक कंटेंट आईडी भी प्रोवाइड करते हैं जो आप अपने डिस्क्रिप्शन में, टैग्स में लगा सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको कोई मोनेटाइजेशन का एरर देखने को ना मिले। तो इनके सब्सक्रिप्शन प्लान्स मौजूद हैं, आप उनमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन इनका ले सकते हो, और तो और आप एक सिंगल एसेट भी बाय कर सकते हो विद अ प्राइस ऑफ 499 Indian rupees। तो जो मेरे चैनल के व्यूअर्स हैं, अगर वो Aman30 कूपन कोड यूज करते हैं तो क्रिएटिगो का जो क्लासिक प्लान है उसमें आप लोगों को 1 month फ्री मिलेगा। करंटली क्रिएटिगो सब्सक्रिप्शन के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड ही एक्सेप्ट कर रहा है, बट अगर आपको कोई सिंगल एसेट परचेज करना
करना है तो उसके लिए अदर पेमेंट मेथड्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अगर आपको क्रिएटिको के बारे में और जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को चेक कर सकते हो। इसके बाद मैं अपनी एक शोकेस वीडियो बनाता। देखो मैंने सब कुछ तो सीख लिया और मेरे पास अब काम दिखाने के लिए नहीं है ना, मुझे पता है मुझे आता है, मेरे क्लाइंट को तो नहीं पता ना कि मुझे काम आता है, उसको तो मुझे करके ही दिखाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, अपना मोबाइल फोन उठाऊंगा और वहां पर अपनी एक इंट्रोडक्शन वीडियो शूट करूंगा। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं क्या कहूंगा कि मेरा नाम अमन मलिक है, मैं एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर हूं और मैं इस टाइप की वीडियोस एडिट कर सकता हूं, मैं रील्स भी एडिट कर देता हूं, मैं ये भी एक 30-35 सेकंड का मैं वीडियो बनाऊंगा और जितनी भी मैंने अब तक एडिटिंग सीखी है वो सारी उसमें झोंक दूंगा। टेक्स्ट एनिमेशन हो गए, म्यूजिक हो गए, साउंड इफेक्ट्स हो गए, हल्की फुल्की कलर ग्रेडिंग हो गई और मोशन ग्राफिक्स थोड़ा बहुत कर दूंगा उसमें और एक अच्छी सी प्रोफेशनल लुकिंग वीडियो बनाऊंगा। तो अब जो मैंने अपनी शोकेस वीडियो बनाई है उसको मैं विमियो पर लेके जाऊंगा। हम अपना जो वीडियो एडिटिंग का पोर्टफोलियो है वो विमियो पर ही बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको विमियो पर आना है, vimeo.com पर आना है। आपके पास ये वाला कुछ होम पेज खुल जाएगा जब आप लॉग इन कर लोगे अपने अकाउंट से। और मुझे ये नहीं लगता कि आपको लॉग इन के बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत है, वो आप पर इस तरीके का कोई डैशबोर्ड आ जाएगा। ये मेरा डैशबोर्ड यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आपको बस न्यू वीडियो पर क्लिक करना है, अपलोड पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आप अपनी वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, वो अपलोड होने लगेगी। जैसे आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हो, यहाँ पर आप अपना टाइटल दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। अब आप कहोगे मन भाई जब ये यूट्यूब की ही तरह है तो हम यूट्यूब क्यों नहीं यूज कर लेते। तो देखो विमियो प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं पोर्टफोलियो बनाने के लिए। तो अगर विमियो को पोर्टफोलियो के लिए ही यूज किया जाता तो आप इसको पोर्टफोलियो के लिए यूज क्यों ना करो। लेकिन अगर आपको यूट्यूब यूज करना है तो आप यूट्यूब भी कर सकते हो, बस आपको अपनी वीडियो क्लाइंट तक पहुंचानी है जो अच्छे से प्ले हो। वो विमियो पर भी अच्छे से प्ले होगी और यूट्यूब पर भी। तो आपने देख लिया होगा कि मैंने विमियो पर वीडियो को कैसे अपलोड किया, आप इस तरीके से कर सकते हो। अब जैसे जैसे आपको और काम मिलता जाएगा आप विमियो पर ही उसको अपलोड करते जाना। तो अब मैंने अपनी एक वीडियो अपलोड कर दिया, मेरे पास एक वीडियो तो है दिखाने के लिए कि मैं कितना अच्छा काम कर सकता हूं। मैं आपको अपना तरीका अभी बता दे रहा हूं, लेकिन इसके ऊपर मैंने एक बहुत 15 मिनट की डिटेल वीडियो बनाई थी, तो आप ये वाली वीडियो मेरी जरूर चेक कर लेना। यहां पर मैंने अपना खुद का आपको ईमेल टेम्पलेट भी दे दिया कि आपको ईमेल कैसे करना है। लेकिन यहां पर हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं अगर मुझे कुछ नहीं आता होता तो मैं कैसे अप्रोच करता। उसके बाद आपको लिंक्डइन पर आना है और उसके बाद यहां पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। जॉब्स वाले सेक्शन में आ जाओ और यहां पर आप लिख दो ऊपर वीडियो एडिटर। यहां से आप अपनी लोकेशन भी डाल सकते हो जहां पर आपको मतलब जॉब चाहिए। यहां पर मैंने सर्च कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर काफी सारे फिल्टर्स दिए हुए। यहां पर आप जॉब टाइप में आ जाओ, पार्ट टाइम कर दो या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर दो। अगर आपको फुल टाइम जॉब चाहिए तो आप फुल टाइम भी कर सकते हो, शो रिजल्ट्स पर कर सकते हो और यहां पर ऑन साइट और रिमोट। यहां पर आप रिमोट पर क्लिक कर सकते हो कि जो फ्रीलांसिंग वाली जॉब होती है मतलब घर बैठे बैठे। अब कुछ लोग क्या करते हैं यहां पर ये सोशल मीडिया मैनेजर लिख देते हैं, तो ये आपको और फिल्टर्स लगाकर देखना पड़ेगा। जैसे यहां पर इनको जरूरत है वीडियो एडिटर एंड मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट की। अगर मैं यहां पर थोड़ा सा पार्ट टाइम और कॉन्ट्रैक्ट हटा दूं तो हमारे पास और रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे। जैसे यहां पर ये बर्नर डिजिटल कोई कंपनी है, इनको वीडियो एडिटर की जरूरत है, ये वीडियो एडिटर एंट्री लेवल चाहिए यहां पर। लेकिन आप ये ध्यान रखना, यहां पर आप अच्छे से पूरा इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना कि इनको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ये बहुत बार क्या करते हैं नीचे ईमेल एड्रेस दे देते हैं कि वहां पर ईमेल करो, यहां की एप्लीकेशंस को ये देखते भी नहीं है। यहां पर किसी ने अभी ईमेल एड्रेस दिया नहीं है लेकिन बहुत सारे लोग दे देते हैं। तो आपने मेरा लिंक्डइन वाला तरीका देख लिया। उसके बाद मैं क्या करता, जितने भी स्मॉल क्रिएटर्स हैं और मुझे लगता है कि उनकी एडिटिंग और बेहतर हो सकती है या फिर मैं अपनी एडिटिंग स्किल से उनकी एडिटिंग बेहतर कर सकता हूं, तो मैं उनको रीच आउट करता। लेकिन हाँ, वो मुझे एक ठीक ठाक पैसा दे सकते हैं या फिर थोड़ा कम पैसा भी देंगे तो चलेगा, मुझे सीखने को तो मिल ही जाएगा। लेकिन फ्री में काम नहीं करना है, मैं आपको हमेशा बताता हूं। चाहे थोड़े ही पैसे लो लेकिन पैसे जरूर लो। लिंक्डइन वाला आपको तरीका मैंने समझा दिया। दूसरा तरीका ईमेल करने वाला, ईमेल का जो पूरा फॉर्मेट है कैसे करना है वो मैं आपको उस वाली वीडियो में तो बता ही चुका हूं, बट यहां पर शॉर्ट में ऐसे बता देता हूं कि आप सिंपल लिख दो आप क्या चाह रहे हो। मेरा नाम ये है, मैंने अभी जस्ट एडिटिंग स्टार्ट ही की और ये मैंने अपनी पहली वीडियो एडिट की है। मैं इस सॉफ्टवेयर पर कंफर्टेबल हूं, मैं आपको इतनी अच्छी एडिटिंग करके दे सकता हूं। आपकी मैंने कुछ वीडियोस देखी नहीं, मुझे वहां पर ये कमी लगी और मैं इसको इस तरीके से बेहतर कर सकता हूं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो मैं आपको डिस्काउंट देने के लिए भी तैयार हूं और मुझे लगता है कि मैं आपके चैनल के लिए एक अच्छा एडिटर साबित होऊंगा। अगर आपको थोड़ी लैंग्वेज की दिक्कत है, आपको इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप अगर इंडियन क्रिएटर है तो उसको हिंदी में लिख कर दे दो, जो आपकी मैसेज वाली राइटिंग होती है कोई बात नहीं। वो जो अच्छा क्रिएटर होता है वो ज्यादा लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देता, वो आप समझ जाएगा, आपका बस वो काम देखेगा। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि आप लॉन्ग टर्म में इंग्लिश सीख लेना, यूट्यूब से आप सीख सकते हो तो आप उसको भी धीरे धीरे इंप्रूव कर लेना। लेकिन उसकी वजह से आप अपना ईमेल लिखना मत छोड़ना, उसको लिख देना। टूटी फूटी इंग्लिश में लिखने से अच्छा है आप उसको हिंदी में बढ़िया करके लिख दो। तो मान लेते हैं कि मैंने बहुत सारे स्मॉल क्रिएटर्स को ईमेल भी कर दिया है, लिंक्डइन पर भी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज थी मैंने वहां पर भी अप्लाई कर दिया है। तो एक दो महीने की कड़ी मेहनत के बाद सपोज करते हैं कि मुझे एक क्लाइंट मिल जाता है, तो मेरा अगला पॉइंट यही है कि डोंट रेस्ट, अपनी स्किल को अपडेट करते रहना है, उस क्लाइंट के साथ ऑनेस्टली वर्क करना है, वहां पर रिजिड नहीं हो जाना है, वो जितना कह रहा है सिर्फ उतना ही नहीं करना है, थोड़ा अपने पास से भी दिमाग लगाकर नई नई चीजें करनी है एडिटिंग में और ये कोशिश करनी कि मैं उसको अच्छे से अच्छा काम दूं। और हर महीने या फिर हर हफ्ते अगर आपका परमानेंट क्लाइंट वो हो गया है तो उससे फीडबैक लेना कि आपको कहां अच्छा लग रहा है कहां नहीं लग रहा है। अब जो उनकी ऑडियंस है, जो उनकी वीडियो पर कमेंट्स कर रही है, जो आपने एडिट की थी, वो आप कमेंट्स पढ़ सकते हो कि भैया ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है। कोई एक ऐसा कमेंट है जो आपको एडिटिंग के बारे में और नॉलेज दे रहा है कि यहां पर ये बेहतर हो सकता था, तो ये आप इससे आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बता देना। और अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ एंड अमन आउट।